डिटेक्टिव पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोर गिरोह के 4 सदस्यों को काबू कर उनसे जांच पड़ताल शुरू की तो ट्रांसफार्मर चोरी की 3 दर्जने वारदातें सुलझने के साथ साथ गिरोह के 4 सदस्यों से लाखों का ट्रांसफार्मर चोरी से जुड़ा सामान भी बरामद किया गया। वहीं अब डिटेक्टिव स्टाफ पुलिस चोरों को रिमांड पर ले जाकर उनका नेटवर्क खंगालने में जुट गई है। डिटेक्टिव स्टाफ पुलिस प्रभारी अजय कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गिरोह के सदस्य दिन में जिस ट्रांसफार्मर को चुराना चाहते थे उस जगह की अच्छी तरह से रेकी करते थे ताकि चोरी करते समय कोई दिक्कत न आई और फिर उस ट्रांसफार्मर पर हाथ साफ कर देते थे। अजय कुमार ने पुष्टि की कि गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे 70 लाख के ट्रांसफार्मर और उससे जुड़ा कीमती सामान काबू कर लिया गया है जबकि जाँच जारी है। हमारे कुरुक्षेत्र जिले में काफ़ी ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात डे बाय डे होने लग रही थी। उसमें श्री सुरेंद्र पाल जी पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र ने निर्देश दिया कि आप मैं इंचार्ज डिटेक्टिव सेल कि आप ट्रांसफार्मर चोरी की जो वारदात दिन प्रतिदिन जो जिले में बढ़ रही हैं उनके ऊपर काम करो। मेरी टीम ने ट्रांसफार्मर गिरोह को काबू किया है जिनसे कुरुक्षेत्र जिले के काफ़ी ट्रांसफार्मर की वारदातों को जो ये चोरी करते थे उनको ट्रेस करने में काफ़ी मदद मिली है। कितने लोग हैं, कितने मामले सुलझे? ये 4 लोगों में गिरफ्तार करे हैं, 2 भी मुकदमों में फरार हैं। तो कितने मामले सुलझ पाएंगे इससे? हमारे करीब 34 से अबव ही मुकदमों जो ट्रांसफार्मर चोरी के मुकदमे थे वो ट्रेस हो गए। किस तरह से इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या? ये दिल्ली से 3 लड़के हैं जो गाड़ी ले गए दिल्ली से आते थे। दिन में जो लोकल क्षेत्र के जो गांव थे उनमें से कुछ लड़के जो ट्रांसफार्म जो खेतों में लगे ट्रांसफार्मरों को उतारते थे और हमने 3 लड़के दिल्ली से 1 लड़का पानीपत से उनको काबू किया है जिसने लगभग 3 दर्जन जिले की वारदातों को कबूल किया है। आगे की तफ्तीश जारी है। ये करीब 40 लाख के करीब की रिकवरी का सामान है। तो ये बड़ी सफलता है। हाँ, जिले में काफी जो ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात थी लगभग ट्रेस हो गई है। कैमरामैन पृथ्वी सिंह के साथ कुरुक्षेत्र से प्रदीप कुमार।